Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-powered by Airtel 4G. एयर फोर्स एकेडमी और हाकिमपेट एयर फोर्स स्टेशन में रोज 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन कोई नई बात नहीं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो बहुत सी एजेंसीज हैं जिनका काम होता है कि कॉकपिट में बैठा पायलट सही एक्शंस ले और एयरक्राफ्ट को एकदम सुरक्षित वापस ले, ये निश्चित करना ही उनका काम है। एटीसी का सीनियर फ्लाइंग सुपरवाइजिंग ऑफिसर, जिसे एसएफएस कहते हैं, वो पायलट को असिस्ट करता है और ये बात पक्की करता है कि सही वक्त रहते सही एक्शंस लिए जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये भी पक्का करता है कि सभी सेफ्टी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस वगैरह तुरंत आ जाएं, क्योंकि इन हालात में कोई मेडिकल इमरजेंसी भी पैदा हो सकती है। इमरजेंसी इंटरनल भी हो सकती है, जैसे कोई टेक्निकल इशू, और एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे किसी चिड़िया का एयरक्राफ्ट से टकरा जाना। रनवे पर हमेशा बर्ड वॉचर्स होते हैं, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिस पर किसी का बस नहीं चलता। आज के केस में एक चिड़िया सर्किट से टकरा गई। पहले तो एयरक्राफ्ट की स्पीड कम की गई, फिर यह सुनिश्चित किया गया कि एयरक्राफ्ट नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहे। सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट की स्पीड कम की गई, फिर उसे थोड़ी कम ऊंचाई पर उड़ाया गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ प्रिकॉशनरी चेक्स किए गए और फिर एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड किया गया। एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए। अकेडमी का हॉस्पिटल 24 घंटे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है। इस केस में किसी की जिंदगी दांव पर लगी थी। सर्वाइकल कॉलर प्लीज। पेशेंट स्टेबलाइज सर, स्कूप स्ट्रक्चर प्लीज। हमारे पास कॉल आते ही कुछ ही पलों में एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और 2 मेडिकल असिस्टेंट्स वहां पहुंच गए। कैडेट्स को हवा में होने वाली इमरजेंसीज के बारे में पहले ही बताया जाता है। ये हमारा बेस्ट सिमुलेटर है जो कैडेट्स को कॉकपिट और फ्लाइंग का फील देता है। ये एक्सपीरियंस कैडेट के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि करना क्या है। कुछ रन्स पैसिव होंगे जो यहाँ से कंट्रोल करने वाले हैं, और कुछ चीजों के कंट्रोल्स हम आपको बताएंगे। पायलट की सेफ्टी हर बात से बढ़कर है। हर बार मौसम का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और नेचर की ताकत का सामना करने के लिए डिसोरिएंटेशन सिमुलेटर सेशन प्रिया की मदद करेगा। सिमुलेटर के अंदर प्रिया बुरे से बुरे हालात का सामना करेगी। हर एयरफोर्स पायलट ये अच्छे से समझता है कि मौसम हमेशा उसके फेवर में नहीं होता। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ के वक्त हमारी एयरफोर्स ने खराब मौसम का सामना किया था, हमें उस वक्त बहुत मुश्किलें आईं। ऐसी परिस्थितियों से लड़ना हमें इस सिमुलेटर में सिखाया जाता है। ये सिमुलेटर आपको एक्सपीरियंस कराता है कि खराब मौसम में फ्लाई करते वक्त आपको कैसा महसूस होगा। पिछले टर्म में मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी मुझे एक एयरक्राफ्ट इमरजेंसी की खबर मिली जो थोड़ी परेशान करने वाली थी। एक एयरक्राफ्ट में एक ट्रेनी पायलट अकेली थी और उसका एयरक्राफ्ट सीधा नहीं उड़ पा रहा था। वो हवा में गोल गोल चक्कर खा रहा था। वो हमारे लोकल फ्लाइंग एरिया के बाहर साउथ की ओर भी निकल गई थी। हर एयरक्राफ्ट में एक ट्रिमर लगा होता है जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट सीधा उड़ता है, और उसके एयरक्राफ्ट में वो ट्रिमर एक तरफ झुक गया था। हमारे एक इंस्ट्रक्टर उसी एरिया में फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने उस ट्रेनी को वहां ज्वाइन किया और फिर वो अपने ही एयरक्राफ्ट में बैठे हुए उसे ये समझाने लगे कि ऐसे हालात से कैसे निपटा जाए।
और उस एयरक्राफ्ट को वापस कैसे कंट्रोल में किया जाए। वो ऑफिसर किसी तरह उस ट्रेनी को वापस लेकर आए। जरा सोचिए, उस ट्रेनी को सब कुछ उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से समझाया। आखिरकार वो ट्रेनी और उसके एयरक्राफ्ट को सही सलामत वापस रनवे पर ले आए। लेकिन आपको पता है कि उस दिन उस एयरक्राफ्ट ने सिर्फ एक पहिए पर लैंडिंग की थी, क्योंकि उसका विंग सीधा नहीं हो पा रहा था। ये कमाल की कोशिश थी, मुझे उन पर गर्व है। हमारी ट्रेनी पायलट इतनी स्ट्रांग थी कि इतनी शुरुआती स्टेज और कम एक्सपीरियंस के साथ भी उसने एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया। एक हफ्ते के कैंप हार्वर्ड में सरवाइव करना मुदित के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। ऑब्स्टिकल कोर्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको अचानक पैदा हुई प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करती है। ये एक्सरसाइज करेट्स को दुश्मन के इलाके में लड़ना सिखाती है। और अब मुदित की बारी है। We'll be starting in two teams. First team, get up. ये टीम इवेंट है। एक कैडेट को एक मिनट में वो सारे ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। Faster. Hold your balance. साठ सेकंड में हर किसी को अपने स्क्वाड्रन के लिए पॉइंट्स बनाने होते हैं। मुदित को टॉप थ्री में आना होगा। सारी एक्टिविटीज करने के बाद आखिरी काम होता है धावा बोलना। मुदित ने कर दिखाया। वारंट ऑफिसर के जे सिंह ने मुदित को पास कर दिया।